चिकन रेशमी कबाब है, साथ में चिकन टिक्का। गुर्दे और ये कपूरे और ये मगज। अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर हूँ और मज़ेदार, जायकेदार और लजीज खानों की वीडियो लेके आपकी खिदमत में आते हुआ हूँ। यहाँ पे 24/7 खाने बिकते हैं, खाना नहीं जायका बिकता है, सही है। तो ताज़ा मटन आपने ऑर्डर करना है, ताज़ा देसी चिकन, सही है, और ताज़ा देसी घी की मटन कढ़ाई, सही है, मक्खन की मटन कढ़ाई आपको जो है स्पेशल ब्रांडेड मक्खन की मटन कढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं, खानों को करते हैं अंदर से एक्सप्लोर। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि मज़ेदार लजीज खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बटर 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 कढ़ाई, साथ में लहसुन वाला पानी। वाह उस्ताद, वाह, जबरदस्त मजा कराया ये उस्ताद। उस्ताद की स्पीड चेक करें जरा, मजा आना है तो पैसे वापस। चिकन कढ़ाई मक्खन वाली, मक्खन वाली चिकन कढ़ाई। ये किस तरह है अगर कढ़ाई कोई ऑर्डर करता है? सर 1 kg जो है 2600 रुपये के जी है जी, मक्खन वाली 2600 रुपये जी। अगर सिंपल आयल में बनवाते हैं तो 2100 रुपये के जी। और ये इसमें डाल के देंगे मट्टी के बर्तन, मटके में। साढ़े तो चंगा प्याला चेहरा नजर आवे ना, कोई इतराज तो नहीं जनाब। तो ये आपने बनाई है? शेफ ने बनाई है, सही और जबरदस्त A1 रेसिपी मैंने दी है शेफ को। ये कदीमी और असली बट कढ़ाई टिक्का है, सही है, इनकी जरा स्पीड चेक करें आप। मेरा तो काम हो गया, स्पीड देखें, 2 मिनट में एक कढ़ाई तैयार हो रही है, 2 मिनट में, सही है। सीधा सीधा आप देखना, वहां से एक और उठाएंगे। इस तरह एक बंदा है, क्या चीज लाला बना रहे हैं? शेवर है। स्पीड चेक कर रहे हो भाई, स्पीड अब जितनी स्पीड थे आप देख रहे हो उतनी स्पीड से सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को। अच्छा अभी आपको ये मटन आपको यहाँ पे आप देख सकते, ताज़ा मटन आप ऑर्डर करें। कोई
जनाब तो इस शानदार खूबसूरत जगह पे आपको एक चीज़ यूनिक दिखा दो सही है, कपूरे ये बकरे के है, ये क्या चीज़ है लाला? गुर्दे। और ये कपूरे, और ये मगज, और ये चाम, ये इसका क्या हिसाब किताब है? प्लेट में देते हैं प्रॉपर इस तरह बना के? सही हो गया, ज़बरदस्त जनाब। तो ये देखें प्रॉपर इन्होंने कवर किया हुआ है, वाह। साथ में टमाटर, क्या बट कढ़ाई टिक्का। और लोकेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस्लामाबाद का F10 सेक्टर है, F10 मरकज में, मेन मरकज है, सेक्टर F10 है, F10-2 सही है। और ये रोड है मेन, आप अगर फैसल मस्जिद की तरफ आते हैं ये बिल्कुल F9 पार्क बिल्कुल में साथ में है, सही है। फैसल मस्जिद से आएँ और उसके बाद सीधा अगर F10 मेन मरकज है, यहाँ पे एक ये होटल है। ये भट कढ़ाई टिक्का है सही है, और साथ में जो है ना फ्रेश देसी मुर्गे सही है, जो खुद जिबा करे, खुद जो दिल करे उठाओ और वजन कराओ और सीधा जबरदस्त। मज़ेदार बात ये है कि आप साथ ही ताज़ा मटन मिलता है, साथ ऑर्डर करें, ये देखें साथ में बिल्कुल भट कढ़ाई टिक्का है, तो साथ साथ में बनवाएं और साथ में ही आपको ताज़ा कोई फ्रीज हुआ हुआ नहीं, कन ताज़ा आपको देखने को मिलेगा। ये जी मटन आप तो सीखो में आपने जो है ना ये सीजी है ना जी, बिल्कुल लोग तो सीखो में बनाते हैं, आप लकड़ी में बना रहे हैं ये इसका? सीख से भी बेहतर है जी। अच्छा सही, इसका जायका अलग होता है? अलग होता है सही है। सीख जब गर्म हो जाता है इसे लिए ना सजी गिर जाता है। तो इसको कौन सा वाला सजी, लकड़ी वाला सजी कहेंगे ये जो? हाँ बलोची सजी। तो जनाब ये बलोची सजी है जो कि लकड़ी में बनाई जा रही है सही है, देखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ये देख वाह। और ये किस तरह एक दे रहे? 1600 रुपए की है सर, डिस्काउंट करके 1500 का दे सकते हैं। 1600 की डिस्काउंट करके होम डिलीवरी भी हो सकता है। सही, तो ये लोकेशन बता सकते हैं कौन सी लोकेशन है, एड्रेस, ये कौन सी जगह है? F10 मरकज। सही हो, हाजी रेस्टोरेंट। हाजी रेस्टोरेंट सही हो, वो डीसी हटाए हुए थोड़ा सही हो। तो जनाब आगे थोड़ा सज्जी के बाद आगे आते ही आपको जो है यहाँ पे कबाब मिलेंगे सही है, ये सीख कबाब है, चिकन रेशमी कबाब, हाँ साथ में चिकन टिक्का। तो ये सीख है कितने की दे रहे हैं? कौन सी रेशमी कबाब की कितने की है? ये सीख का हिसाब नहीं, ये प्लेट का हिसाब है। प्लेट का तो प्लेट किस तरह है? ये 1300 की प्लेट है। 1300 की प्लेट, और ये कितने की प्लेट है? 450 का एक पीस। एक पीस है, सही। 450 का ये दो पीस। ठीक है। और ये कोयले बनाने के लिए, कोयले इधर से बनते और इधर आते, सही हो गया जबरदस्त। ये ऑयल है, ऑयल है। तो आज हम मौजूद है पिशावर शनवारी गोजरांवाला रेस्टोरेंट, लाहौर रेस्टोरेंट सही है, तो चलते हैं देखते हैं इनके पास क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर रश लगा होता है अक्सर सही है, इस तरफ आप देख सकते हैं झोंपड़ी टाइप है, और यहाँ पर ठिए भी लगे हैं। ये एक पूरी गली जो है ना समझ लो कि पूरा प्रॉपर यहाँ की तरफ खाने ही खाने पकते हैं। तो चलिए हम अंदर का विज़िट करते हैं।
ये साथ में जी साबुत बकरा रखा हुआ है दादा, थोड़ा सा साइड। शराब तो आप देखें सही है, ये चिकन कढ़ाई दम बोक नहीं, दम बोक तो अलग नहीं होता, दम बोक तो अलग नहीं होता। हाँ ये इसमें नहीं डालना, उसमें वो उसमें डालना है, वो इस तरह पता है, इन्होंने कहा कि ये डालना है इसमें। शेफ है जी, अच्छा उस तरफ से आता हूँ ना, फ्राई बना ये कमेंट में बताएं ये क्या चीज होती है, मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखा। ये क्या चीज है लाला, ये क्या चीज है? अच्छा चिकन में डालेंगे। अच्छा तो पिशावर शनवारी कढ़ाई के बिल्कुल सामने जाना आपको एक ये बड़ी ज़बरदस्त है, सही है फैमिली हाल है और ये प्रॉपर बांसों पे बना हुआ है। तो इसका अंदर आप देख सकते हैं चारपाइयाँ भी लगाई गई है, ये देखें जी डेरा टाइप। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये हाल बड़ा ज़बरदस्त है और ये गद्दे आपको दिए जाएंगे। और सामने जो है ना ये देखें जी पिशावर शनवारी और उनका ये फैमिली हाल जो कि बड़े देसी तरीके से और ज़बरदस्त फील आती है, इसमें पंखे लगाए हुए और ठंडी जगह बिल्कुल। तो मेन एफ्टन मरकज़ में थोड़ा सा आगे आएंगे तो कोटा अरसलान स्टूडेंट कैफ़े, इनकी चाय बड़ी मशहूर है, चाय और पराठा सही है। तो चलिए इनको करते हैं अंदर से एक्सप्लोर, तो ज़्यादातर गुड़ वाली चाय है। एक कप किस तरह का दे रहे हैं, एक कप कितने का दे रहे हैं चाय का? मैं कह रहा हूँ एक कप कितने का चाय का दे रहे हैं, एक कप कप चाय का हाँ सत्तर कभी नब्बे कभी अच्छा सौ कभी है। स्पेशल कोयटा वाली चाय कश्मीरी चाय भी है, कॉफी भी है, अच्छा चॉकलेट की चाय भी है, ऐसे चाय भी है जो हमारे पास में होता है। सो बना दे चार सौ बीस स्वीकार सर्दी बता रहे।